हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। सो मायसेल्फ शांता नारंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फ्रॉम तक्षशिला लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है इसको। और ये पहले से नहीं है, 2014 के बाद ये ट्रेंडिंग में आया है और लोग इससे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या वो खुद इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं और टेक्निकल वीडियो देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो देख रहे हैं, और उसमें जो डिजिटल मार्केटर है वो किसी और कंपनी या किसी और टूल के बारे में आपको बताने लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं SEO की वीडियो बना रही हूँ और किसी थर्ड पार्टी टूल के बारे में आपको बता रही हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि वो डिजिटल मार्केटर को उस टूल वालों ने पे किया हो कि आप अपनी वीडियो में मेरे टूल का प्रमोशन करो और देन आई विल पे यू। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो बेसिकली किसी और के प्रोडक्ट को सेम थीम में प्रमोट करना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे फूड ब्लॉगर हैं, वो रेसिपीज वगैरह डालते हैं, तो उसमें वो हो सकता है कि किसी के लाइक यूटेंसिल्स या मसाले, इसके बारे में वो प्रमोशन करते हैं बीच में। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, संजीव कपूर को आपने देखा होगा, वो वंडर शेफ के प्रमोशन करते हैं। तो इट मीन्स कि वो इन्फ्लुएंसर हैं और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में तीन चार चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे अभी संजीव कपूर वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो उसको हम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी बोलते हैं। जैसे कि शाहरुख खान, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ, ये लोग जो प्रमोशन करते हैं टीवी पे, इसको हम, ये आएगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, बट उसका एक पार्ट है जिसको हम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है एक, हम जो कस्टमर के थ्रू करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बिजनेस है और हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे बहुत टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम उन लोगों को कोई प्रमोशन देते हैं कि सर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसके बारे में कुछ मार्केटिंग कर दीजिए, उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, या कोई भी प्रमोशन कोड हम उनको देते हैं। तो वो होता है जब हम कस्टमर से करवाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ऐसे ही आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली आपको कुछ लिंक भेजते हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसका वो आपको लिंक शेयर करते हैं और बोलते हैं प्लीज़ यार प्लीज़ आगे भी इसको शेयर कर दीजिए। तो वो होता है जब हम फ्रेंड्स एंड फैमिली से उसको प्रमोट कराते हैं। उसके बाद आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे मैंने अभी आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग का आपका थीम है और डिजिटल मार्केटिंग का कोई इन्फ्लुएंसर है, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, साहिल खन्ना, सौरभ जैन, डिजिटल दीपक और ऐसे बहुत सारे, अगर ये लोग कोई वीडियोस बना, आप उन्हें अप्रोच करते हैं कि सर आप मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है या मैंने कोई टूल लॉन्च किया है, प्लीज़ आप अपनी वीडियो में इसके बारे में बता दीजिए। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आई होप कि इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है। अब बात करते हैं कि अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आपको किस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और उस नॉलेज को आपको लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है। आपका टॉपिक थीम डिसाइडेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप फैशन डिजाइनर हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आप किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आप लाइक एक्सप्लोर कर लेते हैं नए डिज़ाइंस को, तो आप एक फैशन की थीम में इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी अपनी थीम में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना है, अपनी नॉलेज देखनी है, उसके बाद आपको रिसर्च करनी है कि और ज़्यादा नया कंटेंट क्या आप लोगों को दे सकते हैं, क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्या ऑडियंस एग्जैक्टली सर्च कर रही है, और कॉपी पेस्ट तो आपको करना ही नहीं है, अपना कंटेंट आपको लोगों को दे आप, और आप अपने आप को प्रमोट कीजिए, जितना हो सके प्रमोशन करो अपने कंटेंट का, और जो भी आपके पास लाइक
या कमेंट्स वगैरह आते हैं कहीं पे भी, आपको अगर हैशटैग भी अगर आपका दिया जा रहा है किसी भी तरीके से, कहीं पे भी आपका नाम यूज होता है, तो आप उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करो, कमेंट्स में रिप्लाई। और सबसे मेन थिंग, आपको जो अपना कंटेंट शेयर करना है वो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस करना है, जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्ट है, उसके बेस पे। और सबसे मेन चीज जो है, सबसे मेन चीज जो है वो है आपको फीडबैक लेते रहना है लोगों से, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे आपको फीडबैक लेना है। तो ये थे टिप्स कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाने के लिए क्या क्या करना है। अब जो टिप्स है वो है उन लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराना चाहते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंसर सर्च करने हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी थीम क्या है और आपकी थीम की कैटेगरी में कौन कौन से इन्फ्लुएंसर आते हैं। देन उनमें आप देखिए कि किसके कितने फॉलोवर्स हैं, कितना कंटेंट किसका कितना अच्छा है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना कौन से सोशल मीडिया पे है और कितनी एक्सपर्टीज है उनकी। और सबसे बड़ी चीज आपको ये देखनी है कि अगर आप उनसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं तो आपके बिजनेस पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो कोई भी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हो या हायर करना चाहता हो, आपको सबसे पहले जो करना है वो आपको थीम डिसाइड करनी है, अपनी नीश डिसाइड करनी है, उसके बाद आपको वर्कआउट करना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेके, जो कि ये बहुत ट्रेंडिंग में भी है और आगे इसका और ज्यादा अच्छा यूज होने वाला है। यहाँ जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 86% इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग और ज्यादा ग्रो करेगी। तो अगर आप करियर बनाना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon. Do like, comment and share. See you next time. Subscribe and hit the bell icon.